वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन आज हम कर रहे हैं जॉन टन की पोईम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये इसकी लव एंड डिवाइन पोइम्स में पब्लिश हुई थी और ये लव पोईम है इसकी ये इसने लिखी थी इस पोइम की जो फॉर्म है इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग ठीक है लव सॉन्ग है ड्रामेटिक मोनोलॉग है एड्रेस किया हुआ है इसने अपनी वाइफ को एंड मोर नाम था उसका इसका जो थीम है इस पोइम का दैट इज पार्टिंग ठीक है कि वो लोग जुदा हो रहे हैं लाइक like जुदा ये नहीं कि परमानेंटली जुदा हो रहे हैं बल्कि जुदा मीन्स कि वो थोड़े अरसे के लिए कहीं पे जा रहा है ठीक है और इसका जो मूड है वो है कंसोलिंग एडवाइस ठीक है कि वो उसको कंसोल कर रहा है अपनी बीबी को जाने से पहले और ये जो इसका मौका था जो बैकग्राउंड था इस पोइम का वो ये है कि ये डिपार्चर था ये यूरोप जा रहा था सिक्सटीन में जॉन डन ठीक है तो अपनी वाइफ के बिना जा रहा था इसलिए उस वक्त इसने ये पोइम लिखी थी अब इसमें वो कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी वो कह रहा है मेरी प्यारी आ, महबूबा कह लें इसको ठीक है आ, या मेरी प्यारी मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे उकता चुका हूँ तुमसे थक गया हूँ वेरीनेस का मतलब होता है उकता जाना या थक जाना नॉर इन होप द वर्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि तुमसे खूबसूरत कोई मुझे दुनिया में चेहरा मिल जाएगा या तुमसे अच्छी कोई इंसान मुझे मिल जाएगी इसलिए मैं नहीं जा रहा बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट वो कह रहा लेकिन ये हम सबको पता है कि मौत आनी ही है हमें एक ना एक दिन मरना ही है दिस बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जस्ट दस बाय फेंट डेथ्स टू डाई तो इसलिए बेहतर है कि हम अभी से वो जो हमने सेपरेशन जो हमारी परमानेंट हो जानी है उससे पहले हम ये जो टेम्प्रेरी सेपरेशन हैं हम इनको मॉक इमिटेशंस कर लें इनको ठीक है मतलब हम हम इनको इमिटेट करके देख लें मॉक इसने कहा है ये जो फेंट डेथ्स है ये है टेम्प्रेरी सेपरेशंस ठीक है कि हम जो है वो थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए ठीक है जस्ट का मतलब है इमिटेट करना कि नकल उतारते हैं कि जैसे हम कहीं जुदा हो रही हैं ठीक है कि मरने के वक्त तो हमने परमानेंट जुदा हो जाना है तो इस तरह की जुदाई भी हमारे लिए तो एक दूसरे के लिए मौत के बराबर है तो हम ऐसा करते हैं ये एक ट्रायल्स करते हैं इमिटेशन करते हैं ठीक है थीके? ताकि हम लोग एक दूसरे के बिना रहने की थोड़ी सी आदत डाल सके और हमें पता चल जाए कि क्यों रहना है ठीक है येस्ट नाइट द सन वेंट वो उसको कंट्रोल कर रहा है कि तुम्हें किस तरह से हौसले में रहना चाहिए वो कहता है कल रात सूरज जो है वो गरूब हो गया था एंड येट इज हेयर टूडे और देख लो आज वो आ भी गया ही हैथ नो डिज़ायर नोर सेंस नोर हाफ सो शॉर्ट अ वे वो कह रहा है कि देख लो अगर सूरज जो है उसके पास वो इतनी दूर से ना उसके पास कोई डिज़ायर है ना मतलब उसकी कोई ख्वाहिश है और ना ही उसकी कोई मतलब वो आने जाने की कोई वजह है ठीक है वो फिर भी वो इतना लंबा चक्कर काट के कल गया और आज वापस भी आ गया है देन फियर नॉट मी तो फिर तुम्हें मेरा क्या डर है बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर देन ही बैरा मेरा तो फिर तुम यकीन रखो ना कि अगर सूरज इतना लम्बा चक्कर काट के वापस आ गया तो मैंने तो इतनी दूर जाना भी नहीं है और सूरज के पास तो कोई ख्वाहिश या कोई वजह भी नहीं थी वापस आने की वो फिर आ गया है तो मेरे पास तो तुम्हारे प्यार की ये जो विंग्स एंड स्पर्स हैं ये उसने कहा है कि ये जो पर मुझे दिए हैं ये तुम्हारे ख्वा तुम्हारी मुहब्बत ने दिए हैं दीज आर दिंग्स एंड स्पर्स ऑफ योर अर्ज एंड अटैचमेंट एंड योर लव ठीक है तो इसलिए मैं तो वापस आ ही जाऊंगा क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत मुझे ज्यादा देर जुदा रहने नहीं देगी और मैं फौरन वापस आ जाऊंगा वो हाउ फीबल इज मैं पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एट अनादर आर वो कह रहा है कि इंसान कितना कमज़ोर है इंसान के पास इतनी ताकत भी नहीं है इंसान के पास कि अगर अच्छा लम्हा उसके पास एक अच्छा वक्त आ जाता है तो वो उस अच्छे वक्त को अपनी मर्जी से बढ़ा सके प्रोलोंग कर सके ठीक है कि हम पे जब अच्छा वक्त आता है तो हम कहते हैं काश ये लम्बा हो जाता जब अच्छा वक्त गुजर जाता है तो हम अपनी मर्जी से उस अच्छे वक्त को बढ़ा भी नहीं सकते वी आर फीबल वीक ठीक है लास्ट आर री कॉल बट नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल का मतलब है ना ही हम किसी गुजरे हुए लम्हे को वापस ला सकते हैं इंसान किसी गुजरे हुए लम्हे को पास्ट को वापस भी नहीं ला सकता सिवाय इसके कि याद करके रोए बट कम बैड चास् लेकिन अगर कोई बुरा वक्त कहीं आ ही जाता है हम पे वी ज्वाइन टू इट आर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर एंड लेंथ इफ से अगर कोई बुरा वक्त आ जाता है तो हम आहोजारी करके उसको याद कर करके मुसल उसके बारे में सोच सोच के उसको अपने ऊपर इतना मुसलत कर लेते हैं कि हम उस बुरे वक्त को इतना वो लंबा होता भी नहीं है जितना ज्यादा लंबा कर लेते हैं अपनी सारी ताकत उस बुरे वक्त को याद करने में और उसको अपने ऊपर मुसलत करने में लगा देते हैं और उसको प्रोलोंग करते रहते हैं बुरे वक्त को इस तरह हम अच्छे वक्त के साथ तो नहीं करते ठीक है मतलब ये जो मेरी जुदाई है ये एक किस्म का बुरा वक्त है तो अपनी आहोजारी से तुम इसको मजीद अपने लिए मुश्किल कर दोगी लंबा कर लोगी तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए कहने का मतलब उसका ये है यहां पे वेन दो साइज टू साइज नॉट वि जब तुम आह भरती हो सांस लेती हो तो तुम सांस नहीं ले रही होती हो मतलब तुम कार्बन डाइऑक्साइड है एक्सेल और ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर रही होती है बट साई माई सोल अवे बल्कि तुम्हारे सांस लेने से मेरी रूह जो है वो तुमसे अंदर बाहर जा रही होती ठीक है मतलब तुम्हारी सांस मेरी जो रूह है वो तुम्हारी सांसों में है वेन दो वी पान काइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डेथ डी वो हम लोग कहते होते हैं ना कि पता नहीं कितने खून के कतरों से मिलके एक आंसू बनता है तो वो भी यही कह रहा है कि जब तुम रोती हो तो वो आंसू नहीं होते तुम्हारे बल्कि वो मेरा खून है जो जल रहा होता है जब तुम रोती हो इट के नॉट बी दैट दो हैव दो लव्स मी एज दो सेज इफ इन से माई लाइफ दो वेस्ट वह अब कह रहा है कि कैसे मैं मान लू कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो अगर तुम मेरी जिंदगी को इस तरह से वेस्ट कर रही हो कि तुम्हारे रोने से मेरी सोल को दर्द पहुंच रहा है और तुम्हारे आंसू जो है वो मेरा खून जला रहे हैं मेरा खून खत्म कर रहे हैं तो मैं कैसे मान लू कि जितना तुम मोहब्बत मुझसे कहती हो तुम करती हो तो तुम अगर करती हो तो तुम ये ना रोगी और ना ही आहें भरोगी ठीक है आहोजारी करोगी दो आर द बेस्ट ऑफ मी वो कहता है यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ मी यू आर दस्ट थिंग दैट एवर है तुमसे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती मेरी जिंदगी में लर्न नॉट दै डिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनील वो कह रहे है अब तुम्हारा जो प्रोफेटिक हार्ट है ना डिंग हार्ट का मतलब खदशात जाहिर हो रहे हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा फॉर थिंक मी एनील जो तुम सोच रही हो कि मैं सफर पर जा रहा हूँ वॉइज पे जा रहा हूँ तूफ़ान आ जाता है ठीक है टाइटे की तरह इसका जो है वो शेप डूब जाता है और यह वापस नहीं आता तो तुम इस तरह की बातें मत सोचो अपने प्रोफेटिक दिल से को जो तुम्हें इल्हाम हो रहे हैं उनको रोको जरा कि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा डेस्टनी मे टेक दाए पार्ट एंड मे दाए फियर फुलफिल वगैरह अगर तुम इतना सोचती रहोगी तो ये ना हो कि वही हो जाए जो तुम सोच रही हो कि तुम्हारे जो डर हैं वो सही साबित हो जाए और मेरी किस्मत मुझे वही मेरे साथ कर दे जो तुमने सोचा हुआ है बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप वो कह रहा है बस तुम इतना सोचो तुम अपने जहन में ये एक चीज बिठा लो कि मैं कहीं नहीं जा रहा बल्कि हम लोग एक दूसरे की से अलग तरफ करवट लेके लेट गए हैं। कि हमारी जो इस वक्त की जुदाई है जो हम अलग अलग हो रहे हैं वो ऐसे है जैसे तुमने दूसरी साइड पे बैठ के करवट ली हुई है और मैंने इस साइड पे करवट ली हुई है तो हम हमें एक दूसरे के मुखालिफ सिमथ में लेते में अपोजिट साइड पे दे हु वन एन अदर कीप अव नेवर पार्टेड वो कह रहा है क्योंकि हम एक दूसरे को वो लोग जो एक दूसरे को अपने दिल में अपने दिमाग में अपनी याद में हमेशा जिंदा रखते हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते तो हम तो पहले ही ऐसे हैं कि हम बॉडीज तो अलग अलग हैं लेकिन हम सोल एक ही हैं ठीक है हमारी जो डिज़ायर्स हैं हमारी विशेष हैं हर चीज़ एक है तो अगर हम एक दूसरे को अपने आप में जिंदा रखें तुम मुझ में जिंदा रहो मैं तुम में जिंदा रहूँ तो हम कभी भी अलग नहीं होंगे और तुम्हें मेरे जाने का कभी भी कोई खौफ या कोई गम नहीं सताएगा फिर तुम हौसले में रहोगी ठीक है हिम्मत रहेगी तुम में तो आई होप आपको समझ आ गई होगी थैंक यू सो मच